हम लोग आज इसलिए यहाँ पे आया है कि जो हम लोग का जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पादंग अभी हैदराबाद में हॉस्पिटलाइज है। तो कल आप लोगों ने सभी सुना होगा कि हम लोग का जो ग्यामर पादंग को जो रिपेयर किया था, डॉक्टर साहब का कहना है कि बहुत खर्चा जाएगा। इसलिए ऐसे पेलो स्पेरेंट जो हम लोग का विसल ब्लोअर का नाम पे हम लोग डोनेशन ड्राइव के लिए अभी हम लोग शुरुआत कर रहा है। तो इस डोनेशन ड्राइव को शुरुआत नहीं करने से पहले कल हम लोग को ये खबर आया है कि करसिनसा से, करसिनसा जो दुकान में टाउन में करसिनसा का जो गली में कल डोनेशन ड्राइव किया बोला हम लोग का नाम पे, एस्पिरेंट का नाम पे, वो बंद कॉल करना है बोल के। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग अभी तक डोनेशन ड्राइव किया नहीं है, लेकिन अभी हम लोग करने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग का डोनेशन ड्राइव किस वजह से करेगा ये हम लोग को, हम लोग ये बताने के लिए आया है। जितना भी पेरेंट्स है, एस्पिरेंट है, जितना भी वेल वेसर्स है, हम लोग का डोनेशन इस वजह से करेगा कि हम लोग न्यूर्जली नाहरलगन दहीमुख ईटानगर में हम लोग डेजिग्नेटेड प्लेस बनाएगा, हम लोग का बैनर का साथ में होगा, हम लोग का वॉलेंटियर्स होगा और एज पर एज पॉसिबल हम लोग का डोनेशन मैक्सिमम ऑनलाइन में होगा। एज पर एज पॉसिबल हम लोग उसमें क्या करेगा कि केस को हम लोग कम ही लेगा। अगर आप लोग में से कोई वेल वेसर अगर देना चाहता है तो आप ऑनलाइन में देने से सही रहेगा। अगर उसमें कोई भी कोई केस में देना चाहता है वो हम लोग का बॉक्स रहेगा, उसमें बॉक्स में आप लोग डाल सकता है। उसमें हम लोग का वॉलेंटियर्स क्या करेगा कि दिन का जितना कलेक्शन हुआ है शाम को उसमें खोल के वीडियोग्राफिक एविडेंस का साथ में उतना कलेक्शन हुआ है बोल के हम लोग ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेगा। और यहाँ पे ऐसे कौन कौन सा जगह पे रहेगा, कल को ऐसे नहीं होना है कि इस जगह पे इस गली पे भी डोनेशन ड्राइव के लिए कैंप बिता दिया, ऐसे नहीं होगा। हम लोग का जो डिजिग्नेटेड प्लेस है दहीमुख से लेके ईटानगर तक कहाँ कहाँ पे होगा हम लोग का, ये हम लोग का पहलो एक्सपीरियंस मैडम बताएगा। तो सर जैसे बोला है अभी हम लोग कुछ कुछ डेजिग्नेटेड प्लेस होगा, निर्जुली से लेके स्टार्ट होगा उसके बाद ईटानगर तक। तो निर्जुली में दो जगह में होगा, पहला होगा वुमेन्स कॉलेज और नेरिस्ट, सॉरी थ्री प्लेसेस, वुमेन्स कॉलेज, नेरिस्ट और आला। फिर दहीमुख में होगा चार, दहीमुख का जो तीन आली है मेन तीन आली, वहाँ पे टेम्पो ट्रेकर जहाँ टेम्पो स्टेशन है वहाँ। उसके बाद होगा आरजीयू, अगेन फिर गवर्नमेंट कॉलेज दहीमुख और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल दहीमुख। नाहरलगन में है फर्स्ट होगा तोमोरुबा हॉस्पिटल के सामने और गेट के सामने और मेन मार्केट, थर्ड होगा हाथी माता, उसके बाद पोलो हायर सेकेंडरी स्कूल KV1 दैट मीन सी सेक्टर के आसपास में एक होगा तीन आली में और नियर सोहम एक होगा। फिर ईटानगर में होगा 0 पॉइंट, आकाशदीप, डीएन कॉलेज, किंगकप गेट, टेनिस कोर्ट में होगा, गोपुर तीन आली, हिमालयन यूनिवर्सिटी में भी होगा, डॉन बॉस्को कॉलेज, उसके बाद उसके बाद NIT में भी होगा। तो दीज आर द प्लेसेस जहां हम लोग का वॉलेंटियर्स लोग रहेगा, तो इफ एनीवन वांट्स टू डोनेट वहां आके डोनेट कर सकता है। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स में कुछ अकाउंट डिटेल्स को जो है बता देगा। अकाउंट डिटेल्स ग्यामर पादंग सर का है, इंडियन बैंक, और अकाउंट नंबर है 6414048713। और जो IFSC कोड है सर का वो ये है कि IDIB000N13 ग्यामर पादंग। और जो 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 डोनेशन दे रहा है ऑनलाइन का थ्रू फोन पे में जो है वो जब उसको देने से उसका ग्यामर बाकिंग बोल के आता है, तो वो उसका पिताजी का नाम है। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि दूसरा कोई किसी को आप लोग डोनेट कर रहा है बोल के, वो उसका पापा का पिताजी का ही नाम है। और यहाँ पे ऐसे है जो हम लोग का जो डोनेशन ड्राइव है ये हम लोग का प्राइमरी मकसद, नो डाउट हम लोग ग्यामर पादंग जो हम लोग का जो हीरो है उसको हम लोग सपोर्ट करना है। लेकिन जो हम लोग का मेन मकसद है यहाँ पे जो स्पेशली स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो हम लोग रखा है, ये एक तरफ से हम लोग का क्या है कि अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करा बच्चा को। उसमें हम लोग ज्यादा स्टूडेंट से पैसा इकट्ठा करना ऐसे नहीं है, जो भी वेल वेसर जितना देना चाहता है दे सकता है। स्पेशली इसलिए हम लोग जो कॉलेज और स्कूल और वो भी हायर सेकेंडरी स्कूल में रखा है, वही मकसद है। तो बाकी जो डिजिग्नेटेड प्लेस है उसमें वेल वेसर जितना देना चाहता है दिल खोल के दीजिए। और हम तो इस विनती करते हैं कि इवन हम लोग का जितना यहाँ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्पेशली इंजीनियरिंग एम्प्लॉय, ये जो क्या है ग्यामर पादंग भी बेचारा इंजीनियरिंग के वो इंजीनियर बनने का मकसद में था, वो भी हॉस्पिटलाइज है। और लाइक वाइज हम लोग का जितना भी जो
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो मेंबर एमएलए लुक है वो लोग आप लोग भी दीजिए, जितना भी यहाँ से सीबीएस लुक है वो लोग भी दीजिए, सोशल एक्टिविस्ट भी दीजिए, दिल खोल के दीजिए। इस बार हम लोग ग्यामर पादंग इस जीत इस वो जो मुहिम पे हार गया, अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा हार होगा। और ग्यामर पादंग को जैसे भी हम लोग यहाँ पे जिंदा हम लोग ये सही सलामत पे वापस लाना पड़े। और ये जो हम लोग का मुहिम है, जब तक ग्यामर पादंग यहाँ पे अरुणाचल में वापस नहीं आएगा ये मुहिम चलते रहेगा। डोनेशन ड्राइव, थैंक यू।